अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, क्यों वो जीवन भर हमें अपने सामने रखना चाहती हैं? ऐसा कौन सा राज है तो आप सुनैना से ना जाने कब से छुपा रही हैं? क्यों? माँ प्लीज प्लीज आज हमें बताइए, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा राज है? आप क्यों चाहती हो कि आपकी सुनैना प्यार ना करे, कभी शादी ना करे? क्यों? नहीं समझोगे बिटिया, तुम बहुत मासूम हो, बहुत नादान हो। हाँ माँ, कह रही हो बहुत नादान है, हमें सच में दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। समझ तो जरूर है, रमन जी से बहुत प्यार करते हैं। और माँ, हाथ जोड़कर आपके सामने माफी मांगते हैं, रमन जी को नहीं छोड़ सकते, रिश्ता नहीं तोड़ सकते। इस समय माफ कर दो, अपनी सुनैना को माफ कर दो, पर रमन जी को नहीं छोड़ सकते। हमको बहुत डर लग रहा है, अब लड़की का राज है ना, वो राज ना रहेगा। मेरे खानदान का इज्जत नीलाम होने का वक्त करीब आ रहा है भैया। हमारा भाई होते हुए ऐसा कमजोर बात कैसे कर सकते हो परवेश, तुमको शोभा नहीं देता। हमारा खून में नहीं है हार मानना, उस सुनैना का राज खुलने से पहले उका उनका किस्सा खत्म कर दिया जाएगा। किस्सा खत्म करने का कोशिश तो किए ना भैया, कहाँ हो पाया? होगा परवेश, होगा, लेकिन ये बार हमारे हाथों से नहीं होगा। काहे कि हम कुमुद का जान दोबारा खतरे में नहीं डाल सकते। कुमुद में हमारा जान बसता है, कुमुद को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये बार जौन हम सोचे हैं के लिए कुमुद का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है, और बहुत सावधानी से काम करना होगा। कहा सोचे है भैया? देखिए, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी हाल में कोई भी एक्सट्रीम कदम नहीं उठाना है। देख रहे हो पापा, बैठक लगी है, आप कहो तो चलकर थोड़ी आग लगाई जाए। रितुआ, तुम्हें हमारी असली बिटिया है, काहे की मान्यता तो अपनी मम्मी की तरह इन सबकी चमची हो गई है। चलो, तुम्हारा मन है तो बैठक में हंगामा मचाते हैं बाप बेटी मिलकर। हाँ सुन, अब न तुम मेरा नौटंकी देखना। दौर से बात हो गई है पापा। हमको आज्ञा दीजिए भाभी। आत्महत्या करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। हाँ भाभी। नहीं नहीं नहीं, आत्महत्या, हमारी भावनाओं को समझिए भाभी। कितना बेइज्जती हुआ है पूरे मुंगेर में आपका, बताइए। आज तक इतना बेइज्जती, इतना इंसल्ट पूरे मुंगेर में कभी किसी का हुआ है का, जितना आपका हो रहा है? इसीलिए भाभी हमको आज्ञा दीजिए, हमको आज्ञा दीजिए कि हम अपने इन्हीं हाथों से मुंगेर के बाबू साहब नरेश को हम अपने हाथों से गोली मारेंगे, उसी सीधा मुंह में। चाचू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे चाचू, ये मेरे ससुर जी, मेरी सुनैना के पापा हैं। ए नमन, सुनैना के पापा है ना, तुम्हारे पापा तो ये है। अभी से ससुरारी की भक्ति बेटा। अरे देखो सूरज,
अरे कुछ समय का गुस्सा है बस, नफरत थोड़े है कि जान ले लेंगे। नहीं भैया मारें हमको तो। और एक बात केयरफुल आके सुन लो और समझ लो, तुमको या घर के किसी भी सदस्य को हमारी इज्जत के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, उसके बारे में इमोशनल होने का जरूरत नहीं है। सोचने के लिए हम राजकुमारी सिंह जिंदा है अभी। और हम कोई हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं हैं। नमन ने पुलिस को फोन किया है, कानूनन सुनैना हमारी बहुरिया है, लेकिन उसको घर लाने के लिए हम कानून नहीं तोड़ सकते। पुलिस खुद ब खुद सुनैना को हमारे घर लेकर आएगी। शिव्या, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। सॉरी हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं, पर अरे क्या हो गया, आप इतने परेशान से लग रहे हो। सब ठीक है ना दी? दी आप ठीक हो ना? शिव्या, माँ हमसे बहुत नाराज है, उन्होंने हमसे हमारा फोन भी ले लिया। अमन जी से कैसे बात करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तनिवान अमन जी कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, सोच कर ही ना हमारा मन घबरा रहा है। शिव्या तुम्हारे फोन से उन्हें एक कॉल कर ले प्लीज। शिव्या अगर तुम्हें भी इस रिश्ते से एतराज है तो तुम मना कर सकती हो, हम बुरा नहीं मानेंगे। श्याली दी एतराज है ना, और वो भी मुझे थी। मैं ही तो आपके और नमन जी के सपोर्ट में थी ना शुरू से, ऐसे ही थोड़ी मैंने आप दोनों को छुपते छुपाते मिलवाया था। मैं ना आपके और नमन जी के शादी से बहुत बहुत खुश हूँ सच्ची। प्यार हो ना तो आपके और नमन जी के जैसा। थैंक यू शिव्या, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ये लव यू एंड ऑल ना जीजू को बोलना, मैं ना अभी मेरा फोन लेकर आती हूँ। हमें कुछ बड़ा करना होगा जिससे जीत हमसे शादी करने के लिए जाए। यही सही मौका है इन दोनों को रंगे हाथ पकड़वाने का। आज हमारा सिंदूरी हमारे सुहाग को गोपाला और अच्छू की सच्चाई तक लेकर जाएगा। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 9:30 बजे। नहीं, ये पक्का सुनैना ने कॉल किया होगा। सुनैना? अमन जी, थैंक गॉड सुनैना तुमने मुझे कॉल कर लिया। तुम्हें पता भी है मैं पागल हुआ जा रहा था, हर पल हर सेकंड बस यही सोच रहा था कि तुम कैसी होगी, क्या कर रही होगी। सुनैना तुम ठीक हो ना? तुम्हें वहां पे कोई परेशान तो नहीं करता है ना? आई नो तुम्हें बहुत डांट पड़ी होगी। नमन जी, फिलहाल डांट खाने वाले काम ना आप कर रहे हो। वो देखिए वहां खाने की प्लेट वैसी की वैसी रखी हुई है। खाना क्यों नहीं खाया आपने अभी तक? तुम्हारे बिना भूखी नहीं लगती है सुनैना। मैं जानता हूं कि हमारे रिश्ते को एक दिन हुआ है, लेकिन सच पूछो तो ऐसा लग रहा है जैसे 6 जन्मों के साथ के बाद अचानक से हम दोनों को किसी ने अलग कर दिया हो। तुम वहां पे लोगों की तरह तरह की बातें सुन रही हो, डांट खा रही हो, तो फिर यहाँ पे मैं अकेले खाना कैसे खा लूं? खाना पड़ेगा नमन जी, क्योंकि हम कह रहे पता है ना, लड़की जब गर्लफ्रेंड होती है तो उसका लड़के पे सिर्फ जादू चलता है,
पर शादी होने के बाद पत्नी बनने के बाद हुकूमत भी। ऐसा हमने किताब में पढ़ा है? और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? कहीं लिखा नहीं है, हमने बस ऐसे ही कह दिया। तब ठीक है, तो फिर हम इसे कहीं ना कहीं लिखवा देंगे। वैसे जादू तो तुमने हम पे पहली मुलाकात में ही कर दिया था, और तब से लेके आज तक इस दिल पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हुकूमत है। अब ना बहुत हुआ नमन जी, अब आप चुपचाप खाना खा लीजिए, वरना ना सुनैना भी ये चॉकलेट खाने वाली थी पर अब नहीं खाएगी। ये लो, खा रहा हूं। ओके मेरी सुनैना, अब ठीक है ना? अब आपकी सुनैना भी बिल्कुल ठीक है नमन जी। सुनैना, रूम चलो, अब जल्दी से आंसू साफ करो। देखो हमने पुलिस में कंप्लेंट लॉज कर दी है, कल वो तुम्हारे घर जाएगी और उसके बाद तुम्हें हमारे पास ले आएगी। नमन जी, पुलिस कंप्लेन और माँ पापा? उन्हें कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरे पास आ जाओगी, उसके बाद हम दोनों साथ हो जाएंगे। नमन जी प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। पास वापस तो बुला लिया आपने नमन जी, और हम अब आपके पास रुक पाएंगे, और आप चिंता मत करना, हमारे कान्हा जी है ना, वो हमेशा हमारी तरफ से आपका ख्याल रखेंगे। सॉरी नमन जी, हमें आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना हो। ये कैसा सपना था? इतनी घबराहट क्यों हो रही है, जैसे जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है।
मेन डोर खुला हुआ है। इतना कुछ होने के बाद सुनैना के घर वाले दरवाजा कैसे खोल के रख सकते हैं? प्रवेश जी, अरे ये जो सरप्राइज टीरी पोता है ना, ये जवानी में अच्छा लगता है। मतलब अरे हम अभी भी जवान हैं, पर आपको बतानी ना रहे कहाँ जा रहे, तो हमको इंजेक्टेड हो रहा है, बताइए ना कहाँ जा रहे हैं हम। मम्मी एंजाइटी हुई, और पापा हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं सवेरे भी तो जा सकते थे ना। हमारा ब्यूटी स्लीप खराब कर दिया सब लोगों ने। तो कहा था हम राजकुमारी आंटी के घर जा रहे हैं हमारे और नमन जी के रिश्ते की सुलह करने, फिर हम ये मुंगेर को छोड़कर आगे क्यों निकल आए? बाबा बैठो, यहाँ बैठो। नमन भैया पानी पी लीजिए। पानी नहीं, पियो थोड़ा पियो। पता नहीं वो लोग सुनैना को कहाँ लेके गए होंगे, क्या कर रहे होंगे उसके साथ। आपको पता है जब मैं घर पे गया था घर पे भी कोई नहीं था, सारे के सारे घर वाले गायब थे। हम जानते हैं कि तुम पर का बीत रही है, पर तुम घबराओ मत, दरोगा आता ही होगा, देखते हैं का खबर लेकर आया। हाँ नमस्ते राजकुमारी जी। दरोगा साहब घर में नमस्ते और बाहर हम आपको कुछ ना ही समझते। कानूनी तौर पे आपको हमारी बहुरिया को घर पे वापस लाना चाहिए था, वो लोग गैर कानूनी तरीके से हमारी बहुरिया को हमारे घर से अगवा करके लेकर चले गए हैं। का किए तुम? अरे राजकुमारी जी हमको तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बाबू साहब आपकी बहुरिया को लेके चंपत हो जाएंगे, मतलब किडनैप कर लेंगे उनको। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि चाहे जमीन हो या आसमान, इंस्पेक्टर पासवान आपकी बहुरिया को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, बस दो चार दिन का मोहलत। तू ही चार दिन हम मुंह देखो, देखो क्या लिखा है इस पे, भक्चोनहर। नहीं तो फिर हाँ, नहीं तो फिर हमको कहा समझे थे, मासूम नादान कच्चा खिलाड़ी जो अपनी बातों से बहकला रहे हो हमें। अगर सचमुच तुम्हें बाबू साहब का पता करना होता ना तो लोकेशन ट्रेस करते, नाकाबंदी करते, ये मुंह लेकर लबराने नहीं आते। फोन दो, पासवर्ड बताओ,
पासवर्ड 0000। पासवर्ड भी अपने जैसा ही लगाया, 0। ये क्या कर रही है? कॉल हिस्ट्री देख रहे हैं। तुम्हारा कच्चा चिट्ठा को दो घंटे पहले बाबू साहब से तुम्हारी बात हुई, वो भी 5 मिनट। मतलब तुम हमरे और बाबू साहेब दोनों की नाव पे सवार थे तुम? मतलब हमरे साथ गद्दारी कर रहे थे तुम? बता रहे बाबू तो बेटा, हम बताएंगे ना तुझे, तुझे बताएंगे। माँ सच सच बताइए वरना हम यहाँ से कूद जाएंगे। भाग लो ना, ये का बता रहे हैं ना पापा, बता 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 तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, बता रहे हैं। माँ बताओ, हम तेरी शादी करवाने जा रहे हैं।